एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज अपन देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, मार्केट कहाँ पे, क्योंकि मार्केट जैसे लास्ट वीक अपन ने, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर अपन लास्ट वीक की बात करेंगे तो इस हफ्ते क्या हुआ है, पहले अपन ये समझते हैं। लेट्स ओपन द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। एंड लास्ट वीक मार्केट 1 2 3 4 यहां कहीं था, राइट, यहां पे था। यहां पे मार्केट क्लोज हुआ और मार्केट ने क्या किया, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट या तो ब्रेकआउट करेगा या तो डाउन जाएगा। मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लेके वापस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी है। पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग है, बहुत मैटर करता है फ्राइडे क्लोजिंग, याद रखना, मतलब बेसिकली वीकली कैंडल की क्लोजिंग। मार्केट यहां पे क्लोज हुआ, अब मार्केट एक इस तरीके का पुल बैक लेके यहां पे आ चुका। तो लेट्स चेक आउट द डेटा, लेट्स चेक आउट अदर स्टॉक्स लाइक बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स का मैं एनालिसिस दिया आपको, एंड में मिलेगा, उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेंसिबल पे। सेंसिबल पे जाके एनालाइज बटन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन चेन देखने का मतलब ओपन इंटरेस्ट ही पढ़ना, तो ओपन इंटरेस्ट डायरेक्टली अपन स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये है, ये अपने फ्राइडे का डेटा है, मेरे को ये स्टडी करना है ये ओवरऑल। और ये सिर्फ एक दिन का स्टैंड अलोन देख के कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर मैं इसको पीछे से जाके चेक करूंगा, लेट्स से पिछले 3 दिन का, तो 0.9 से ये 0.6 हुआ और 0.7, यानी इट्स बेरिश ओनली। मतलब 3 दिन में बेसिकली डाउन ही, कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ओके चलो ठीक है, बैंक निफ्टी का चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपन बैंक निफ्टी का चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी का भी अपन का दिखा रहा है 31 अगस्त मंथली एक्सपायरी, बेसिकली वीकली मतलब मंथली एक ही बात है। यहाँ पे 0.8 है। ओके, ये भी अपन को दिख रहा है 1.2 से 0.8 हुआ है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी लुक्स बेरिश। लेट्स सी व्हाट एफआईआईज आर डूइंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या मूड है। व्हाट वी सी ओवर हियर इज, देखो ये जो अपन कई बार बहुत हफ्तों से कर रहे हैं ना, ये नंबर है जो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लग रहा है। ये 1 लाख है, और ये 1 लाख नहीं है, सीधे 4 लाख है, 4 गुना ज्यादा। तो दिस इज लाइक एफआईआईज आर हाईली बेरिश ऑन द मार्केट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर से आप इस बार को देखो, ग्रीन वाला कैसा छोटा होते जा रहा है डे बाय डे, डे बाय डे। तो एफआईआई इसको दिख रहा है, तो ग्रीन वाला बार है छोटा होते जा रहा है, रेड वाला बार है 23 से, भले यहां से गम हुआ, 23 24 25 तीनों दिन बढ़ा और तीनों दिन ग्रीन गिरा। अगेन अगेन व्हाट वी सी, कलर से कलर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगेन व्हाट यू सी ओवर हियर इज कॉल्स में नेगेटिव क्वांटिटी। तो डेटा और फ्यूचर्स को भी सेल करा हुआ है करोड़ में, 1000 करोड़ के ऊपर, मतलब, और कैश में 4000 करोड़ का बेच दिया गया सामान। तो इट्स क्लियर दैट मार्केट इज नेगेटिव ओवर हियर। एफआईआई का मूड नेगेटिव है, ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, एंड प्राइस एक्शन आल्सो लुक्स लिटिल बिट नेगेटिव। तो अब हमारा टाइम आ चुका है कि अब हम क्या करें, सेल ऑन टॉप या सेल ऑन ब्रेकडाउन, ऐसा ट्रेड चालू करें। लास्ट सपोर्ट अगर अपन शॉर्ट करते तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 61% का लेवल, इसके बाद सीधे अपना ये वाला लेवल आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इन दो लेवल्स को मार्क कर लेते हैं और इस फिबोनाची को डिलीट मार देते। तो हमारे पास अभी अभी 3 बड़े बड़े लेवल बन गए जो डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अब आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के आपको बनाने हैं, देखो वी डोंट नो, देखो मार्केट में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम होता, चाहे कोई मैं हूं या कोई यूट्यूबर है आके एनालिसिस दे रहा है। तो आप ये मत सोचो कि उनको पता है। हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके अपने लेवल्स ड्रॉ करते हैं और फिर अपने थ्योरी बनाते हैं, प्लान, प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो, इस तरीके से अपन को प्लान करना होता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, हमने लेवल्स बना लिए, अब हमारा काम है इन लेवल्स को छोटे टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ करें। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करूंगा तो आई कैन क्लियरली सी कि वो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को दिख रहा है, और वी क्लियरली सी कि अपने छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स के भी नीचे जा चुका है। तो ठीक है, दैट सेड, वी हैव लेवल्स फॉर डाउन 19258 हमारा पहला मार्केट लेवल है, अगला लेवल है 19165 और अगला लेवल है 8933। और ऑब्वियस सी बात है, 8933 के पहले 19,000 का एक राउंड नंबर आएगा। यस, और वही बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, वही बहुत बड़ा टारगेट है। अगर अपन को और लेवल निकालने हैं इसके ऊपर, कि अगर हमने शॉर्ट किया तो हमको आ जाना चाहिए, मार्केट गैप डाउन, गैप अप खुला, यहां पे खुला, यहां पे क्लोज हुआ। ओके, ये ओपनिंग था प्राइस का, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लेवल मान लेता हूं। ओके, सो वी आर हैविंग गुड लेवल्स नाउ फॉर डाउन। और अभी बात करेंगे गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन में क्या करना है, एक बार हायर लेवल्स भी बना लेते हैं। मान लो मार्केट को अगर बुलिश होना है, मार्केट बुलिश हो ही नहीं सकता जब तक कि इस लेवल को ब्रेक ना कर दे।
ओके, तो हमने एक लाइन बना ली यहाँ पे, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना कर ले मार्केट बुलिश हो ही नहीं सकता। तो 19334 के ऊपर जब मार्केट आएगा तभी आप बाय करने का सोच सकते हो कॉल, एल्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं बनता बाय करने का। एक बात अलग है अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन का बात करेंगे, रुको पहले लेवल्स बना लेते फिर बात करेंगे मार्केट क्या करेगा तो क्या करना है हमको। ओके, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ रहा है अगेन, देन उसके बाद अगर अपन को चेक करना है अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो एज वी सी मार्केट यहाँ से एक वेव अप दिया था, यहाँ से वो गिर गया अगेन, यहाँ पे तीन कैंडल ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, तो 19464 इज अवर लेवल फॉर द डे। एक बुलिश मार्केट के लिए टारगेट अपना 19463 बनता है, बेरिश मार्केट के लिए अपना लेवल 19165 एंड 19060 बन रहा है। ओके, अब बात करते हैं अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलता है तो हमेशा याद रखना इस बार नहीं बेस्ट होता है, अगर साइडवेज खुलता है और मार्केट थोड़ा 15-20 मिनट रुक के लेवल तोड़ता है तो आप उस डायरेक्शन में डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। ओके ओके, लेट अस अज्यूम अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर एकदम यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो आई थिंक हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी कुछ जा चुकी होगी। अगर काफी बड़ा गैप डाउन, मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है और नीचे आप शॉर्ट करके ये टारगेट अचीव कर सकते हो, तो लाइक डिपेंड्स कितना गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं तो शॉर्ट करके पहला टारगेट ले सकते हो, यहीं खुलता है गैप डाउन तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेट इट कम बैक, मे भी थोड़ा पुल बैक लेगा और फिर गिरेगा तो अपन शॉर्ट कर सकते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर वो इस रेंज में खुलता है हम डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि क्यों नीचे क्यों नहीं कर सकते ऊपर क्यों कर सकते, क्योंकि मार्केट कैसा है, वेव थ्योरी, मार्केट का जिगजैग काम करता है, मार्केट वेव थ्योरी में काम करता है, मार्केट ऑलरेडी इस तरीके का मूव दिया है तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी इस तरीके का मूव दिया है और गैप डाउन भी खुल जाता है तो इतना लंबा में ऐसा करना बहुत मुश्किल है मार्केट का, मार्केट एक ही डायरेक्शन में बहुत लंबा नहीं चलता मोस्टली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाई मतलब मार्केट की तीनों मैंने आपको कंडीशंस बता दिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स ड्रॉ हुए हुए हैं हमारे सामने, 43954 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, एक हायर हाई हायर लो भी बन रहा है, तो ट्रेंड लाइन भी अगर मार्केट 19439954 के नीचे यहां कहीं गैप डाउन खुलेगा तो मौका जा चुका है, लेकिन अगर गैप डाउन उतना बड़ा नहीं खुलेगा तो अपन को ये टारगेट का 43727 आप टारगेट ले सकते हो। तो दिस इज लोअर लेवल्स एंड अगेन वन मोर टारगेट आई विल गिव यू, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऐसे इस हफ्ते नीचे ही जाए, तो अगला लेवल अपन को 43603 बनाना है, दीज टू टारगेट आर गुड एंड लेट्स से मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो ऊपर जा ही नहीं सकता जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे 44344 को, तो इसके ऊपर ही लॉन्ग ट्रेड लेना है हमारा टारगेट जो है पहला अपन को यहाँ पे बुक करना है 44540 पे, और अगला टारगेट अपन को यहाँ पे बुक करना है जो पिछले प्रीवियस डे जो कि एक्सपायरी के दिन का हाई था। ठीक है चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मैं आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ आप उसको देख सकते हो। ठीक है चलो मिलते हैं आपको, मैं वैसे कि अभी इंडिया टूर पे हूँ, मुंबई पुणे हो चुका, मैं अहमदाबाद सूरत और दिल्ली गुड़गांव जाने वाला हूँ, तो अगर आप चाहो तो मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो मेरे इंडिया टूर के बारे में। ओके बाकी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट यू, अभी स्टॉक्स देख लो आप लोग।